गली 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 गली। पता है भाभी जी, मैं ना बहुत खुश हूँ, मेरा ना बर्थडे आने वाला है। अरे इधर ध्यान दो ना। अरे हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझे करनी है बहुत सारी शॉपिंग। सैंडल्स लेनी है, ड्रेसेस लेनी है, परफ्यूम्स लेना है। अब कौन से ब्रांड का लूँ, मैं कॉन्शियस हो रही हूँ। अब ये तो पता ही है ना कि मैं कितनी ब्रांड वाली चीज़ें ही लेती हूँ। हाँ, अरे शिल्पा भाभी, ब्रांड ब्रांड तो छोड़ो ही, लेकिन ना आपकी ये ड्रेस बहुत नीक लग रही है। थैंक यू सो मच, बता रहे हैं। लेकिन ये तो बताइए ना कि बर्थडे अर्डे कब है आपका, हम लोग पचन का भी तो पता चले ना, आप धरती का बोझ कब बढ़ाए। कस्तूरी भाभी, ये उम्मीद है आपसे वैसे मुझे नहीं। वैसे शिल्पा भाभी, बताना तो आपको पड़ेगा आपका बर्थडे कब है, ताकि मैं तो कहीं बाहर घूमने चली जाऊँ आपकी पकाऊ बात। ओह माय गॉड जैज। अरे यार शिल्पा, आप इन सब की बातों को छोड़ो। yes, अच्छा आप बताओ, आपका लकी पुल जाकर है कब? उस दिन ना मैं आपको एक बहुत अच्छी ड्रेस दूंगी और ऐसी ही ड्रेस दूंगी, बिल्कुल ऐसी पहन कर लगूंगी कैसी, अब वो आप पर डिपेंड कर। वैसे श्री तो मेरी फ्रेंड हो, तुम्हें पता है ना, हाई ड्रेस मुझ पे कितनी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जैसे भाभी जी हो, कभी तो सीरियस हो जाया करो। एंड बाय द वे, व्हाट इज सो फनी इन माय बर्थडे डेट? शिल्पा भाभी, आप ना बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसी डिजाइनर ड्रेस पसंद करवाऊंगी ना, really? देखने वाले भी कहेंगे आपकी पसंद तो ये लगी नहीं थी। रहने दो, है ना, इनकी जो चॉइस है वो सब जानते हैं इन्हें आज तक। वो तो मुझे भी पता है, बिल्कुल। अपने हस्बैंड पर ही आज तक इन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया कि वो अच्छे हैं या बिल्कुल ट्रू। शिल्पा भाभी, आपके फ्रेंड मेरे ना डिसरिस्पेक्ट कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो शिरीन के साथ। आप मेरे साथ चलना, मैं आपको बहुत स्टाइलिश ड्रेस दिलाऊंगी। really? और देखना आप बहुत अच्छी लगोगी उसमें, ऑटोमेटिक। और वैसे भी शिल्पा भाभी को ऐसी स्टाइलिश थोड़ी ना बोलते हैं। कौन बोलता है आपको? सभी बोलते हैं। वैसे शिल्पा भाभी, सभी बोलते हैं। हमका ना आपकी चॉइस पे ना कौनो शक ना, ये कौनो शक ना, आप बहुत बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, लेकिन वो है ना जन्मदिन है तो तनिक थोड़ा अच्छा दिखे चाहिए ना। तो आप एक काम करो, एक आप दिमाग लगा के ड्रेस बनवा ही लो, बस थोड़ा सा मुश्किल होगा, कहीं कि दिमाग लगाना पड़ेगा ना, लेकिन आप कोशिश करा। ओह माय गॉड, ये इंडिया में फ्री में एडवाइस देने लग जाते हैं, नहीं शिरीन, है ना? बिल्कुल। वैसे मुझे ना एडवाइस चाहिए नहीं, और आप जैसी जो भाभी जी है ना, वो एडवाइस ऐसे ही देने लग जाती है बोरे भर भर के। वैसे माय फ्रेंड श्री, मैंने ना डिसाइड कर लिया है, मनीष मल्होत्रा से अपना ड्रेस डिजाइन करूंगी, जाने माने फैशन डिजाइनर है। अरे दैया रे, मनीष मल्होत्रा। yes. वैसे आप जैसी भाभी जी हैं, क्या जाने आप तो घर में ही बकबक बकबक करती हैं। सुनो, टेल यू, पता है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की ड्रेसेस बनाते हैं, उनसे ही बनवानी है। ओ रियली शिल्पा भाभी, मैं जानती हूं उन्हें, मैंने देखी है उनकी ड्रेसेस, नॉट माय काइंड ऑफ ड्रेसेस यू नो, और मैं गई थी लैक्मे फैशन वीक, वो मनीष का ग्रैंड फिनाले था ना, वहां जैकी और सिद्धार्थ भी थे, इतने हैंडसम लग रहे थे, मुझे तो वेव कर रहे थे देखकर, वो मुझे लग रहा है। जैसे यार, तुम तो सपनों की राजकुमारी हो, अच्छा अपने सपनों से थोड़ा वापस आ जाओ। और शिल्पा यार, कहाँ मनीष मल्होत्रा के चक्कर में तुम पड़ रही हो, मेरे पास ना एक मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे ड्रेस मास्टर जी। हाँ, तो तुम उनसे जरा एक बार ट्राई करके देखो, तो बहुत अच्छे लगोगे। शिरीन क्या हो गया, मैं मास्टर जी से कपड़े बनवाऊंगी? तुमको तो पता है ना मेरा टेस्ट क्या है यार। अरे शिल्पा भाभी, हमारे खोपड़ी में ना एक आइडिया आ रहा है, बता भी दीजिए क्या है। वो हमारे मरदवा ना कल वो दिखा रहे, कौन सा सीरियल है, ये रिश्ता का कहलाता है। अरे उसमें आप ही के नाम की रही एक शिल्पा, वो है ना कार्तिक की चाची। अरे वो बहुत सुंदर, बहुत नीक कपड़ा पहने थे, हम तो कह रहे हैं आप उन्हीं से डिजाइन देख लो और कॉपी करवा लो, ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। नो वे, शिल्पा भाभी किसी को कॉपी नहीं करती हैं, ओरिजिनल होता है सब कुछ। ले, धन्य है। अरे शिल्पा भाभी, हमको तो आपकी बहुत चिंता सता रही सच है, में? क्या बताई, ड्रेस, जन्मदिन, हम दोनों भाभी मिलके आपकी टेंशन खत्म कर देंगे, बता रहे हैं। टेंशन आप खत्म करेंगी, आपकी जैसी भाभी जी आना हो तो टेंशन खत्म होने की बजाय टेंशन बढ़ जाए। शिल्पा भाभी, जब ड्रेस डिसाइड हो जाए ना तो मुझे बता दी, सच में मेरी तरफ से आपके लिए एक मैचिंग वाली हील, वो ब्रांडेड होनी चाहिए। ना वो ड्रेस डिसाइड करने देंगे और ना ही मुझे कुछ गिफ्ट करना पड़ेगा। शिरीन देखो टाइम को, कैसी बातें करती हैं ये, तुमसे तो मुझे गिफ्ट मिलेगा ना? बिल्कुल, मैं गिफ्ट लेकर आऊंगी, कितनी अच्छी दोस्त है। स्पेशल वाला गिफ्ट, रियली? और कस्तूरी भाभी आपसे? अरे शिल्पा भाभी, अब जन्मदिन है तो हम ना आपको बहुत लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। दे दीजिए आप, दे ही दीजिए। जुग जुग जिया। शिल्पा भाभी, वैसे कहाँ पार्टी वार्टी करने का मूड है आपका? देखिए फाइव स्टार होटल में ही रखिएगा, यू नो ना मैं सिर्फ फाइव स्टार होटल्स में जाती हूँ, आफ्टर ऑल इट्स योर बर्थडे। शिरीन इनको देखो, वैसे फिकर नॉट जैज भाभी, आप खुद बताइए ना, मेरे हस्बैंड हर साल इतना अच्छा प्लान करते हैं ना, बस मैं क्या बताऊं, सरप्राइज ग्रैंड पार्टी, सब लोग देखते रह जाते हैं, ढाबे में करते होंगे जरूर, ग्रैंड पार्टी फाइव स्टार होटल में। शिल्पा मैं तो जरूर आऊंगी तुम्हारी ग्रैंड पार्टी में, और वो भी बहुत अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। अरे पर शिल्पा भाभी, हम बता रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो आप वो का नाम है मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहन के बैठ जाओ और उसके बाद फिर आपके पति आए ना, सुना है आपसे रिलेटेड सारी चीजें भूल जाते हैं आजकल वो।
आपका बर्थडे नहीं है, कौन होली दिवाली का इतना बड़ा ओकेजन लग रहा है। और क्या वैसे एक बात बताई, आप ना जिस दिन हमारे मरदवा छुट्टी पे रहना उहे दिन पार्टी रखो, आखिर हम तो आएंगे ना आपके पार्टी में। शिल्पा भाभी वीकेंड पे रखिएगा प्लीज, यू नो ना माय हस्बैंड इज ऑलवेज सो बिजी, वो ऐसे नहीं होते फ्री आप लोगों के हस्बैंड। वैसे जैस भाभी कस्तूरी भाभी, हां मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्लान बनाने की जरूरत है। अगर आप दोनों मेरी बर्थडे पार्टी में आई ना तो सब लोग भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, भगवान ही बचाए। और मुझे तो अब भागने का मन कर रहा है। शिरीन तुम भी भागोगी ना मेरे साथ? हां यार शिल्पा तुम चली जाओगी तो मैं क्या हूं? आप दोनों बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है ये सब, मैं बता रही हूं आपको। मुझे तो जाना है, मुझे तो मैं भी जा रही हूं, मैं भी जा रही हूं। हां मुझे तो बुलाना ही नहीं आपको अपनी बर्थडे पर। जरूर आएंगे शिल्पा भाभी, हम तो जरूर आएंगे।